हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। मन की बात पर आज शामली में किसानों ने अपना रोष जताया, क्योंकि यहां किसान प्रधानमंत्री के मन की बात के इस प्रोग्राम से खुश नहीं है। सरकार द्वारा नए कृषि कानून बनाने के बाद किसान सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से किसान धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गया। तो वहीं किसान 32 दिन से लगातार नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली हाईवे पर धरना दे रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर थालियां बजाकर विरोध प्रकट किया। भाकियों के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो किसानों के इस काले कानून को रद्द करने का रास्ता बताकर किसानों को घर भेजने का काम करें, ताकि ऐसी ठंड में धरना दे रहे किसान अपना धरना समाप्त कर घर वापस आ सकें। कुलदीपी, किसान यूनियन द्वारा आज जो थालियां बजाई गई हैं, क्या है मामला ये? जो देश में 32 दिन से काले कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस कड़ी में कई तरह से आंदोलन किए गए। आज हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व 40 किसानों के संगठन ने आज आह्वान करा था कि आज मोदी जी मन की बात करते हैं टेलीविजन रेडियो पर, तो उनका विरोध उन्हें ये बताने के लिए कि देश का सारा किसान आज जो आंदोलन में है, मोदी जी उनके लिए भी मन की बात कर लो, किसान को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लो। जो किसान कोरोना काल में भूखे देश का पेट भरा, जब सब लोग दुबक के अपने अपने घरों में बढ़ गए थे, किसान ने इस देश का पेट भरने का जो काम कराया, मोदी जी उनके बारे में भी सोच लो। और ये 3 काले कानून कैसे वापस लिए जाएंगे और प्रक्रिया के बारे में बता के इस किसान के बीच में आके किसान को समझा के इनके घर भेज दो। इतनी ठंड में जहाँ घर से निकलने का काम नहीं, सारे देश का किसान सड़कों पर पड़ा, दिल्ली के चारों तरफ पड़ा, देश के उस कोनों में पड़ा, जहाँ जहाँ भी है रोक रहा प्रशासन। तो मोदी जी को ये सुनाने के लिए कि इनके बारे में सोच लो, और किसान आपका देश का है, आपके घर का है, आपका है, इन किसान के बारे में सोच लो, उसके कान खोलने के लिए। जैसे लॉकडाउन के दौरान है ना, मोदी जी ने भी बर्तन मजवाए थे, तो आपने जो मजवाए, आपका क्या उद्देश्य? देखो, हमारा उद्देश्य तो ये है कि 32 दिन हो गए सरकार के कान पर जूनी रेंग रही, सरकार के कान खोलने के लिए कि सरकार के कान खुल जाएं और इन पीड़ित किसानों की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, इनकी बात सुन के भी उनकी मदद करी जा रही है। जो उनका खोप भी है कानून, जो कानून हमें नहीं चाहते, उन्हें जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे, कॉरपोरेट घरानों की मदद करने का काम कर रहे, इनके विरोध में आज हमने ताली और थाली बजाने का काम करा है।